अब समाचार हेडलाइन सुनिए। हेलीकॉप्टर से कुसमी पहुंचे कांग्रेस विधायक चिंतामणि महाराज। भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने प्रशासन से ली हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति। अब समाचार बुलेटिन परमान राजवाड़े के साथ विस्तार से सुनिए। विधायक चिंतामणि महाराज ने रविवार को कुसमी स्थित हेलीपैड पर भाजपा के हेलीकॉप्टर से उतरकर सभी को चौंका दिया। वहीं भाजपा की स्टार प्रचारकों द्वारा उपयोग किए जा रहे हेलीकॉप्टर से परिवार सहित पहुंचे उनके उत्साह को देखते हुए दो चार दिन के भीतर उनके भाजपा में विधिवत शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। रविवार को दोपहर 1:30 बजे सामरी विधायक चिंतामणि महाराज शासकीय महाविद्यालय मैदान स्थित हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरे। प्रशासन से उनके हेलीकॉप्टर उतरने की अनुमति भाजपा जिला उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सोनी ने ली थी। अनुमति के आधार पर वे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा चुनाव प्रचार के लिए उपयोग किए जा रहे हेलीकॉप्टर से पहुंचे। इस दौरान उनके समर्थकों के साथ उपस्थित भाजपा विधानसभा चुनाव संयोजक गौरी शंकर अग्रवाल, वरिष्ठ नेता केदार गुप्ता सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता ने उनका स्वागत किया। स्वागत उपरांत वे अपने गृहग्राम श्रीकोट के लिए परिवार सहित सड़क मार्ग से रवाना हुए। जिला दंडाधिकारी द्वारा हेलीकॉप्टर उतारने की सशर्त अनुमति सोशल मीडिया पर वायरल होते ही उनके भाजपा में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। भाजपा के सूत्र 31 नवंबर को अंबिकापुर स्थित राजमोहनी भवन में आयोजित संभाग स्तरीय बैठक में वरिष्ठ नेताओं के समक्ष उनके भाजपा में शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर सहित अन्य भाजपा नेताओं को उपस्थित रहने की संभावना जताई जा रही है। कुछ दिन पूर्व ही भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजमोहन पूर्व उपाध्यक्ष विष्णु देवसाय सहित पार्टी के अन्य पदाधिकारी श्रीकोट आश्रम में आयोजित एक समारोह में पहुंचे थे। इस दौरान भाजपा नेताओं ने जंगल किनारे एकांत में दर्री पर बैठकर उनसे लंबी चर्चा की थी। इस दौरान विधायक चिंतामणि महाराज ने वरिष्ठ नेताओं से भाजपा की सदस्यता लेने के संबंध में चर्चा होने के बाद स्वीकार भी की थी तथा कहा कि मैंने अंबिकापुर विधानसभा सीट से टिकट देने की शर्त रखी। हालांकि भाजपा ने अंबिकापुर सीट से राजेश अग्रवाल को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष द्वारा उनका हेलीकॉप्टर उतारने की अनुमति लेने एवं कांग्रेस नेताओं को उसकी जानकारी तक नहीं होने की स्थिति में अब चिंतामणि महाराज के भाजपा में शामिल होने की बात तय मानी जा रही है। कांग्रेस को हो सकता है नुकसान। सरगुजा संभाग में गहिरा गुरु संत समाज की बड़ी संख्या में अनुयायी है। चिंतामणि महाराज के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनके अनुयायी कांग्रेस उम्मीदवारों को व्यापक समर्थन करते थे तथा उनके पक्ष में मतदान भी करते थे। चिंतामणि महाराज के भाजपा में शामिल होने पर उनके अनुयायियों के वोट बैंक के भी खिसकने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा हुआ तो कांग्रेस प्रत्याशियों की बड़ा नुकसान हो सकता है। जानकार सरगुजा संभाग के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में उनके अनुयायियों की संख्या 50,000 से अधिक बता रहे हैं। इन क्षेत्रों में अधिक प्रभाव। जानकारों के अनुसार गहिरा गुरु समाज के अनुयायियों की सर्वाधिक संख्या सामरी विधानसभा क्षेत्र में होने की बात कर रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र लुंड्रा, अंबिकापुर, भटगांव, प्रतापपुर एवं पत्थलगांव में भी उनके अनुयायियों की संख्या 5,000 से 8,000 तक बताई जा रही है। इसी के साथ समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। आइए नेताओं के बारे में उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। इस बार अलग माहौल है बता रहे हैं, क्या लगता है कि बीजेपी? नहीं, कोई अलग माहौल नहीं है। ये हमारा बिंद्रा नावागढ़ भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और यहाँ हमारे जो कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर के, वो पार्टी के लिए हमेशा निष्ठापूर्वक काम करते हैं और अभी भी हम अपना बिंद्रा नावागढ़ क्षेत्र से विजय श्री प्राप्त जरूर करेंगे, ये हमें आत्मविश्वास है। कांग्रेस का कहना है कि अब इस गढ़ को तोड़ेंगे? नहीं नहीं, कांग्रेस क्या क्यों तोड़ेगा भैया, कांग्रेस का क्या है? 5 साल में जब से भूपेश सरकार सत्ता में बैठा है तब से हमारे इस बिंद्रा नावागढ़ क्षेत्र में 5 रुपये का कोई काम नहीं हुआ है। जो भी काम हुआ है 15 साल में हमारे डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे उस समय जो योजना लागू करके यहाँ चालू किए वही योजना से जो काम हुआ है वही काम भर हुआ है। उसके बाद अभी इस 5 साल में किसी भी प्रकार का 5 रुपये का ना कोई पंचायत में काम हुआ है ना कोई सार्वजनिक काम हुआ है, किसी भी प्रकार का काम नहीं हुआ है। सिर्फ उसका ढकोसला है, हमेशा खाली झूठ बोलता है और जो जो भी अपना यहाँ पर वायदा कर रहा है छत्तीसगढ़ में ये सब झूठे वायदे हैं। जैसे पिछले समय में 36 पॉइंट का एक घोषणा पत्र जारी किया था उसमें से सिर्फ कुछ किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है और कुछ किसानों को वही 2500 रुपये जो दूंगा बोला पर बस वही एक किसान को लाभ हुआ है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं। बाकी 34 पॉइंट अभी तक भी एक भी घोषणा पूरा नहीं किया है, ना कोई गरीबों का हित में काम किया है ना।